मथुरा के थाना शेरगढ़ क्षेत्र के गांव मई बसई में जेठ ने की छोटी बहू को मारने की कोशिश। बता दें कि शेरगढ़ की रहने वाली महिला सावित्री देवी ने बताया कि जेठ चंद्रभान से खेत का वैनामा कराया था, जिसका खारिज भी हो गया है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के पानीघाट की घटना, युवती के साथ पड़ोस के ही युवक ने की मारपीट और छेड़छाड़। पीड़िता की वृंदावन कोतवाली में नहीं हुई सुनवाई, आरोपी दे रहे हैं पीड़िता को धमकी। पीड़िता के भाई को ही वृंदावन कोतवाल ने भेज दिया है जेल। न्याय के लिए दर दर भटक रही है पीड़िता, नहीं हो रही है कहीं भी सुनवाई। देखिए, जहाँ तक अभी पीड़िता आई थी, उसने बताया कि उनके साथ छेड़खानी हुई, संबंध में वृंदावन कोतवाली को तत्काल बताया गया, मौके पर जाके जांच करें और जो भी सच्चाई हो उस आधार पर आगे कार्रवाई करें। कोतवाली के घर जमुनानगर पानीघाट की हूँ और मेरे साथ कुछ लोगों ने बदतमीज किया, जो मेरे पड़ोसी हैं, मुझे जबरन जस्त घर में घुसे ले गए और मुझसे बदतमीजी की, मुझसे गलत तरीके से मुझसे छेड़छाड़ की। जब जिस चीज़ का मेरे भाई और मम्मी ने विरोध किया तो उनको भी जकड़ा लिया, उनसे की भी मारपीट की और भाई के साथ बदतमीजी की। उसके गंभीर चोटें हैं अंदर से, क्योंकि उसके पेट में चोट है, मेरे भी चोट हैं, पेट में चोट है, मेरे माइंड में चोट के। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सहायता की जाए और मेरे भाई को चोरी के इंजाम में उन्होंने फंसाया। राजकुमार है और निरंजन और कमल है, विष्णु है। क्या आप पुलिस के पास गई थी? मैं पुलिस के पास गई, मैंने अपनी तहरीर भी दी है वहाँ। क्या कहा कोतवाल साहब ने? कोतवाल ने मेरी कोई भी नहीं सुनी है, सिर्फ ले ली तहरीर है, लेकिन आरोपी वहाँ घूमते रहे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।